टीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चपके मस्के। आज मैंने बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार से क्रीम रोल। आप देख सकते हैं इनका टेक्सचर बिल्कुल बाजार वाले क्रीम रोल जैसे ये दिख रहे हैं और खाने में ये भी बहुत मज़ेदार और क्रंची हैं। आप घर में तैयार कर सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और इसमें मैं पफ पेस्ट्री भी बनाना सिखाऊंगी कि ये क्रीम रोल किस तरह से तैयार होते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ जुड़े रहना है और वीडियो एंड तक देखनी है और मेरे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं हम रेसिपी को। सबसे पहले हमने बनानी है पफ पेस्ट्री। तो पफ पेस्ट्री के लिए मैंने लिए हैं 3 कप मैदा। ये वही मैदा है जिससे हम लोग केक बनाते हैं या पेस्ट्री बनाते हैं। उसके बाद आपने एक मग लेना है और उसमें 2 टेबलस्पून डालने हैं शुगर के। उसके बाद 1 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ नमक। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पानी। पानी आपने उतना डालना है कि मग जो है वो फुल हो जाए। और ये हमने डो गूंदने के लिए ये मिक्सचर को यूज़ करना है। अब इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले थे उन सबको हम मिक्स कर लेंगे। प्रॉपरली मिक्स करना है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स पानी में अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। सो फाइनली ये सारा कुछ डिज़ोल्व हो चुका है। अब हमने इसे इस मैदे को गूंदना है। ये 3 कप मैदा है, इसके साथ हम ये डो तैयार करेंगे। एक सॉफ्ट डो तैयार होगी। इस तरह की ये डो तैयार होगी। मैं बना चुकी हूँ ऐसे पफ पेस्ट्री, लेकिन मैं आपको पूरा तरीका बता देती हूँ कि ये किस तरह से तैयार होगी। तो आप लोगों का जो आटा होगा आपने उसको इस तरह से नीचे रखना है और सबसे पहले मैदा आपने डस्ट करना है। मैदा इस वजह से डस्ट करेंगे ताकि ये नीचे शेल्फ के साथ चिपके ना और जो रोलिंग स्पिन है उसके साथ भी ना चिपके। तो सबसे पहले हमने इसको रोलिंग स्पिन की मदद से अच्छे तरीके से फैला लेना है। पूरा फैलाने के बाद आपने लेना है 400-500 ग्राम मतलब आधा किलो बटर लेना है। अनसॉल्टेड बटर ले रही हूँ मैं और ये आप घी से भी तैयार कर सकते हैं। और घी से तैयार करना वाली वीडियो मैं ज़रूर इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको घी से मक्खन बनाना ज़रूर सिखाऊंगी। उसके बाद आपने इस तरह से करने के बाद अच्छे तरीके से इसको बेल देना है। बेलने के बाद इस तरह से ये दिखेगा। फिर आपने इसकी फोल्डिंग करनी है, यहाँ से पकड़ना है और यहाँ से पकड़ना है और ऊपर और नीचे से भी आपने इसी तरह से इसको पैक कर देना है। और अच्छे तरीके से दबाने के बाद आपने इसको प्लास्टिक बैग में डालकर फ्रीजर में रखना है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद ये डो कुछ इस तरह से तैयार होगी। यही टेक्सचर आपने 3 दफा करना है या 2 दफा करना है। आपने इसको अच्छे तरीके से बेलना है और फिर दोबारा से आपने तय करना है। फिर आपने 30 मिनट के लिए फ्रीजर में रखना है। उसके बाद आपने 30 मिनट के बाद दोबारा निकाल के इसको बेलना है और फिर इसको पैक करके दोबारा फ्रीजर में रख देना है। तो आपकी पफ पेस्ट्री रेडी हो जाएगी। तो ये मैं काट के आपको लोगों को दिखा रही हूँ। इसमें से मैंने इतना सा हिस्सा लिया, ये बाकी सब मैं स्टोर करने लगी हूँ। ये बाकी मिक्सचर में भी तैयार बाकी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होगी। पफ पेस्ट्री बेसिकली आप लोगों को बाजार से भी मिल जाएगी, बेकरी से ईजीली मिल जाती है, लेकिन आप लोग घर में बनाएं क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम लोग भी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि बाजार में किस तरह की प्रोडक्ट्स होते हैं और किन किन चीज़ों को मिक्स करके तैयार की जाती है। तो ये पफ पेस्ट्री आप देख रहे हैं मैंने अच्छे तरीके से बेल दी है और इसको फैला देना है आपने अच्छे तरीके से। तो ये मैंने फैला दी है अच्छे तरीके से और इसके बाद हमने इसके स्ट्रिप्स काटने हैं। नाइफ की मदद से या पिज़्ज़ा कटर जो होता है उसकी मदद से आप इस तरह के
बारीक स्ट्रिप्स काट सकते हैं। जितने भी स्ट्रिप कटे ज़्यादा आपने मोटे नहीं रखने, थिन स्ट्रिप्स बनाए नहीं हैं। और ये मैं नाइफ की मदद से काट रही हूँ और आप देख सकते हैं इसी तरह से मैंने मज़ीद स्ट्रिप्स जो हैं वो तैयार कर ली थी। तो अब हमने लिया है ये कोन। कोन मैंने तैयार की है हार्ड बोर्ड होता है उससे, और आप देख सकते हैं इसको हमने नीचे से स्टार्ट किया और इसको पूरा रोल करेंगे हम कोन के ऊपर। आप फॉइल से भी तैयार कर सकते हैं कोन, और नहीं तो आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, बाज़ार से मिल जाते हैं इजीली। अब इस तरह से हम पूरी कोन के ऊपर लपेट देंगे। तो आप देख सकते हैं ये इतना लपेट लिया है मैंने, और अब मज़ीद जगह बाकी है तो दूसरी स्ट्रिप लेकर मैं इसके साथ ही अच्छी तरीके से रोल कर दूंगी, पूरे पे रैप कर दूंगी कोन के ऊपर। और आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा दिख रहा है। इसी तरह से मैंने मज़ीद कोन तैयार करने हैं। ये देखिए कि इस तरह से रेडी हो चुका है। एक और मैं आप लोगों को बना के बताती हूँ, इससे आपने सारे तैयार करने हैं, बहुत इजी वे में आप तैयार कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, जल्दी से ये झटपट काम होने वाला है और बहुत मज़ेदार और हाइजेनिक किस्म के क्रीम रोल्स आप घर में तैयार कर सकते हैं, और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में, कोई इतनी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने अच्छी तरीके से रैप कर दिया है इसके ऊपर, और ये थोड़ी जगह बाकी है तो मैं यहाँ से एक और उठा लूँ। मैंने 5 तैयार किए हैं, इससे आप और भी तैयार कर सकते हैं। इस तरह से पफ पेस्ट्री बना के फ्रीज की जाती है, और ये तकरीबन 3 से 4 दिन आप फ्रीज़र में रख सकते हैं और मज़ीद रेसिपीज़ बना सकते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छी लगे तो बेशक डिसलाइक कीजिए, लेकिन कोई रिस्पांस शो करके ज़रूर आप लोग जाया करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन कोई रिस्पांस शो नहीं करते। तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं और मुझे आप लोगों के रिस्पॉन्स का बेहद इंतज़ार रहता है। सो ये बेकिंग पैन लिया था और मैंने उसके ऊपर ऑयल को अच्छी तरीके से ग्रीस करने के बाद ये कोन्स उसके ऊपर रख दी हैं। इसके बाद हमने इसको छोड़ देना है, और इसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है एग की मदद से। आपने एक अदद अंडा लेना है और उसको बाउल में तोड़ देना है। तोड़ने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से बीट करना है। एग आप देख सकते हैं बीट हो चुका है। अब हमने ब्रश की मदद से इसके ऊपर पफ पेस्ट्रीज के ऊपर कोट कर देना है एग का। और ये जो है एग हम इस वजह से लगाते हैं क्योंकि जो पफ पेस्ट्री उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से शाइन आती है और वो बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। आप इसके अलावा इसके ऊपर तिल को भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे दिखेंगे, नहीं तो आप इस तरह से भी बेक कर सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। तो आप देख सकते हैं ये एग मैंने अच्छी तरीके से लगा दी है कोन्स के ऊपर। और अब ये बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है, और ये मैंने विदाउट ओवन तैयार किए हैं। तो मैं आप लोगों को टाइमिंग बता देती हूँ, विदाउट ओवन के लिए आप लोगों ने 45-50 मिनट लगाने हैं हाई टू लो मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह की लुक में आ चुके हैं, और ये बहुत ही गर्म है अभी, और आपने इसको फौरन हाथ में नहीं पकड़ना, इससे हाथ जल भी सकते हैं। तो आप लोग थोड़ी देर इसको रेस्ट करने के लिए रख दें, उसके बाद हम इसके अंदर से कॉर्न्स निकाल लेंगे। कॉर्न निकालने के बाद आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से दिख रहे हैं अंदर से, ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं।
और अब हमने इसमें बीच फिलिंग करनी है क्रीम की। आप हैवी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, आप व्हिपिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। आप जौन सी भी क्रीम यूज़ करना चाहें और इजीली जो अवेलेबल हो आप वो यूज़ कीजिए। तो पाइपिंग बैग में मैं क्रीम डाल रही हूँ और इसके बाद हमने ये जो क्रीम रोल्स हैं इनको फिल कर देना है क्रीम के साथ। आप देख सकते हैं इस तरह से आप पूरे क्रीम रोल को अच्छे तरीके से फिल करते हैं। आप लोग कोशिश करें कि ठंडे करने के बाद ही इसको फिल करें, क्योंकि गर्म गर्म होंगे तो क्रीम जो है वो बीच में डालते साथ ही पिघल जाएगी। तो आप लोग ठंडा करके और फिर इसको फिलिंग करें। तो आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक कितने मज़ेदार ये दिख रहे हैं और ये बहुत ही लजीज तैयार हुए थे। और आप लोग तैयार कर सकते हैं ये घर में बहुत ही ईजीएस्ट वे में और चंद मिनटों में ये तैयार हो जाते हैं। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो आप लोग ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और ताकि वो लोग भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे मजीद अकाउंट्स पर, इनकी लिंक्स अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके लिंक्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़। ये मेरी सबसे लेटेस्ट वीडियो है और आप लोग इनको ज़रूर देखिए, और यहाँ पे साइड पे मेरा सेकेंड चैनल है, आप उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।